गुड मॉर्निंग इंडिया, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल साथियों। आज के ट्रिपल टी अवेयरनेस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और राहुल मीना जी को होस्ट हैं आज मेरे साथ, और उज्ज्वला मैम है वीआईपी 3 स्टार जो कि महाराष्ट्र से हैं और बाई प्रोफेशन एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर भी हैं, और आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं आज। और तो क्या वॉइस प्रॉपर है, स्क्रीन विजिबल है राहुल मीना जी? राहुल मीना जी, उज्ज्वला मैम, क्या स्क्रीन विजिबल प्रॉपर है और साउंड क्लियर है? क्योंकि आज दो मशीन लगाया हुआ है मैंने, तो शायद कुछ टेक्निकल। यस सर, यस सर, वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर। ओके मैम, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। और मेरे साथ और जुड़ रहे हैं यहाँ पे भूपिंदर जी जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हैं, और भूपिंदर जी भी ओके। और अच्छा है ये सारा आप लोगों का कंट्रीब्यूशन, और ये जो आप लोगों का यस यस, तो आज का प्रोग्राम डेफिनेटली कल की तरह बहुत शानदार होने वाला है। और डे बाय डे मैं देख रहा हूँ, डे बाय डे ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कम्युनिटी, ये जुड़े हुए सभी साथी डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, और यस, एक बेहतर लाइफ की तलाश सभी को होती है। और यस, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, हम परेशान तो सभी हैं। अगर आप लोगों से पूछें कि क्या आप परेशान हैं, तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो खुशी से बोले कि हाँ मैं खुश हूँ। रियली दिल से अगर पूछेंगे तो सबके सब लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, और परेशानी का जो कारण है वो कारण है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, खास करके इनकम की कमी, खर्चों का ज्यादा होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और दोस्तों, इसका नाम है अंडर एम्प्लॉयमेंट, और कुछ इसमें हिस्सेदारी होती है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी कुछ लोग तो बेरोजगार हैं, और जो बेरोजगार में है उनको उतनी सैलरी, उनका उनको उतना प्रॉफिट कम नहीं मिल रही है जितना कि उनको मिलना चाहिए, जितना वो डिजर्व करते हैं। बट एनीवे, मैं उस चीज को तो सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, हम साइड से कुछ एक्स्ट्रा इनकम बिल्ड कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। रीजन ये है कि अगर हमारी आज जो जॉब चल रही है, क्या पता कल वो चले ना चले। हमने लॉकडाउन में देखा अच्छे अच्छे लोगों का बना बनाया बिजनेस, वर्षों का बना बनाया बिजनेस, मतलब 10 साल 20 साल 15 साल का बना बनाया बिजनेस, 25 साल का बना बनाया बिजनेस टूट गया, डूब गया। 15 साल से लोग एक एक कंपनी में पूरी ईमानदारी के साथ अपना द बेस्ट दे रहे थे। मैक्सिमम लोगों को वहां पे आपने देखा कि अपनी जॉब को, मतलब जॉब गंवाना पड़ा, और बहुत सारे इंसिडेंट हुए, मतलब तमाम लोगों के जॉब चली गई, रिसेशन आया, बहुत कुछ हुआ। तो हमें ठीक से यह पता नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या है, बट एक चीज पता है, हम प्रॉब्लम में हैं। तो प्रॉब्लम में होना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम में होना तो मतलब एक कॉमन सी बात है, लेकिन मतलब कॉमन क्या नहीं है, हमें करना क्या होगा। प्रॉब्लम में तो है, लेकिन हमें प्रॉब्लम के ऊपर बात करके ज्यादा समय गंवाने से बेटर यह है कि हमें सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग हैं, सपोज करिए कुछ लोग हैं, उनके चारों तरफ नदी बहती है, और उन्हें नदी के उस पार में दुनिया अच्छी है, सब कुछ सही है, लेकिन वहां वो जाके बस नहीं सकते, लेकिन उनको आने जाने के लिए वो कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो उस नदी पे अगर वो ब्रिज 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 बिल्ड कर लें, अगर कोई पुल का निर्माण कर लें, ओके, तो ये एक सोल्यूशन है। और ये सोल्यूशन पे ही काम करना सफल होने का सबसे बड़ा निशानी, सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है सफल होने के लिए, वो होता है सोल्यूशन पे काम करना। लाइक आज के डेट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा मस्त जिंदगी जीने वाले इंसान का नाम, सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाले इंसान का नाम, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाने वाले इंसान का नाम एलन मस्क है। दोस्तों, अगर कमाई के मामले में बात करें, क्योंकि हम कमाई के मामले के बारे में यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, तो बात करेंगे एलन मस्क। लेकिन उस पर्सन का नेचर अगर आप देखेंगे, उस व्यक्ति का जीवन अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो वो इंसान हमेशा प्रॉब्लम को ढूंढता है, और प्रॉब्लम को ढूंढ करके तमाम, आप जितने भी सक्सेस लोग हैं, जो भी आज रिचेस्ट हैं, अल्ट्रा अल्ट्रा रिच पर्सन है,
मतलब जो भी है मिलेनियर बिलेनियर, उनको आप जब पूछेंगे गौर से ना कि प्रॉब्लम पे काम करें क्या करें हम, तो बोलेंगे कि समाज में ढूंढो कि क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम क्या कर सकते हो उस पे काम करो। तो ये सफल लोग वही करते हैं। और हम लोग क्या है कि हमेशा जिंदगी भर प्रॉब्लम का रोना रोते रहे। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि इनकम कम है, प्रॉब्लम ये है कि हम इनकम को बढ़ाने के लिए कर क्या रहे हैं। तो इनकम को बढ़ाने के लिए आज हम आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट के बारे में अवेयर करने जा रहे हैं जो क्रिप्टो कम्युनिटी, जो क्रिप्टो करेंसी की स्पेस से कनेक्ट करता है और प्रॉपर कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। यहाँ पे कोई कंपनी और एमडी सीएमडी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा कि हम लोग 1995 से कंपनी खेलते आए हैं और तमाम अपने लोगों को डुबाते आए हैं और सपने देख करके, लेकिन कभी किसी का सपना पूरा नहीं हुआ। हाँ, 100 लोगों में अगर दो लोगों का अगर सपना पूरा हो गया तो कोई बात नहीं, 98% लोग अभी आज भी पेंडिंग में है। बट यहाँ पे मैंने देखा कि सक्सेस का जो रेशियो है लगभग 8-9% इवन 10% सक्सेस लोगों का रेशियो है। और पैसे इनकम की जहां तक बात करें, सबको इनकम आ रही है, किसी को कम किसी को ज्यादा, जो जैसा एफर्ट कर रहा है उसको भी इनकम आ रही है, जो एफर्ट नहीं कर रहा है उसे भी इनकम आ रही है। हाँ, स्लो आ रही है, ज्यादा आ रही है, ये अलग मैटर है, डिपेंड करता है कि किस तरीके की ये कम्युनिटी अपने लिए काम कर रही है। सो दोस्तों, 9:10 हो चुके हैं और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के ट्रिपल टी अवेयरनेस प्रोग्राम में। मैं हूं बादशाह आलम, आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी नए साथियों का, लीडर्स का, ब्रदर एंड सिस्टर्स का। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज के प्रोजेक्ट के बारे में, अवेयरनेस के बारे में। तो अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, 2008 और 9 के बीच में एक टेक्नोलॉजी ने अपने आप को पूरी दुनिया से इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के रूप में जानी जाती है। और क्रिप्टो करेंसी क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक सिंगल ग्लोबल करेंसी है जिसको कोई गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, कंट्रोल नहीं करती है, उसकी सप्लाई लिमिटेड है। और यस, सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको कोई लेन देन करना है किसी भी, मतलब सपोज करिए आपको अभी कल के डेट में मेरे क्लाइंट ने मुझे फीस पे किया, तो फीस वो पे कर रहे थे गूगल पे के थ्रू। अब वो गूगल पे में तो हुआ, तो उन्होंने तो पेमेंट कर दिया, लेकिन मुझे क्या हुआ, पेमेंट अभी तक नहीं मिली है। तो ये क्यों प्रॉब्लम हुआ, सेंट्रलाइज सिस्टम के होने के कारण, सर्वर इशू होने के कारण हुआ। लेकिन ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो कभी भी ये सर्वर इशू नहीं आता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने अभी पेमेंट सेंड किया और मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर ये पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से बिटकॉइन ने समाज की सबसे बड़ी समस्या थी फाइनेंशियल लेन देन की, बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारी खराबी है। अभी हम जो बैंकिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बहुत सारी खराबी है। यस, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मेजर इशू होता है कि तमाम लोगों के जो पैसे होते हैं एक बैंक के एक सिंगल सर्वर पे लोकेट होते हैं और एक बैंक की कस्टडी में होते हैं। मतलब लाखों कस्टमर्स के करोड़ों अरबों खरबों रुपए एक बैंक की कस्टडी में होते हैं। बैंक तय करता है कि एक महीने में आप 4 बार पेमेंट एटीएम से लेंगे, बाकी लेंगे तो फीस पे करना पड़ेगा। बैंक तय करता है कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। बैंक आपके पैसे, सारा कंट्रोल बैंक का होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें चल रही थी 2008 में। पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका में लगभग 208 से ज्यादा बैंक वहां पे डैमेज हो गए, धराशायी हो गए, खत्म हो गए। ओम क्या बोलते उसको, राम नाम सत्य हो गया। तो हुआ क्या, बैंकों का तो राम नाम सत्य हुआ, लेकिन उस बैंक में जिन कस्टमर्स का पैसा जमा था उनके भी जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आया। हालांकि बैंकों का डूबना बैंकों की गलती थी, उस बैंकों में पैसा रखे हुए कस्टमर्स की कोई गलती नहीं थी, लेकिन परेशान उन्हें भी होना पड़ा। तो इस सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बिटकॉइन का जन्म हुआ। बिटकॉइन ने बोला कि आपके पैसे हैं, आपके अपने पास रखो, पूरी दुनिया में जहां जाओ जब चाहो लेन देन कर सकते हो, कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, पैसे की कस्टडी आपके पास रहेगी। बैंक वाले बोलते हैं 7.5 साल में डबल कर देंगे, 8 साल में डबल कर देते हैं, लेकिन वो डबल करके देते कहां से हैं, आखिर कहीं ना कहीं मार्केट से वो कमाते होंगे। जिस मार्केट से वो कमाते हैं 8 साल में दोगुना आपको देते हैं, उसी मार्केट में आप जाओ, उस मार्केट में उससे ज्यादा पैसा आप कमाओगे। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों बिटकॉइन ने दिया। उसी तरीके से अब जब बिटकॉइन ने तरक्की की ना, बिटकॉइन की तरक्की देख करके तमाम स्कैम और फ्रॉड वाले लोगों ने भी इसका नाजायज फायदा उठाना किया, और हम और हमारे जैसे तमाम लोग, हमारे आसपास के तमाम लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बहुत लूटे गए, बहुत ठगे गए। लेकिन यह ध्यान रखना है कि क्रिप्टो करेंसी में जब भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो उसका व्हाइट पेपर चेक करें, रोड मैप चेक करें, एलोकेशन चेक करें, सप्लाई चेक करें, प्रोजेक्ट क्या है, किस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का फाउंडर क्या है, वो व्यक्ति खुद ही डेवलपर है कि नहीं है। जिस क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट का डेवलपर खुद ही ना हो तो कोशिश करें कि उस प्रोजेक्ट से बचें, क्योंकि टेक्निकल समस्याएं आती रहती हैं। और जब भी ऐसा कुछ होगा तो याद रखिएगा कि उस प्रोजेक्ट के बंद होने का चांसेस ज्यादा होता है, वो हाई रिस्की होता है।
ओके, दूसरी बात कि वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसके टोकन का, उसके करेंसी का यूज केस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसकी कम्युनिटी बढ़ाने के लिए उनके पास क्या रोड मैप है, क्या प्लानिंग है, तो ये सारी चीजों को चेक करें। और ये सारी चीजों को चेक करने के बाद ही अगस्त 2021 को, सत्ताईस अगस्त 2021 को मुझे भी ट्रॉन थंडर प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने का मौका मिला। ये सारी चीजों को जब मैंने ट्रॉन थंडर प्रोजेक्ट के साथ ज्वाइन हो, जब मैं एंटर कर रहा था, तो इन सारी बातों को मैंने गौर से देखा। हालांकि उस वक्त इनका व्हाइट पेपर नहीं था, बट मुझे कोई इशू नहीं था, क्योंकि व्हाइट पेपर तब चाहिए होता है जब आप क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं और उसका पैसा उस व्यक्ति के पास जा रहा है जिसने क्रिप्टो करेंसी इशू किया हुआ है, तो उस वक्त व्हाइट पेपर देखना जरूरी होता है। हालांकि उस वक्त अभी ये कम्युनिटी बिल्ड कर रहे थे, अपना टोकन फ्री में बांट रहे थे, और जो भी कंट्रीब्यूशन मिल रहा था आज भी और तब भी 100% कम्युनिटी के लोगों में बांट रहे थे। तो ये सारा दोस्तों, ये सारा कुछ है ट्रॉन थंडर के स्टार्टअप को लेकर के। 15 अगस्त 2021 इस प्रोजेक्ट की प्री लॉन्चिंग हुई, 9 अक्टूबर 2021 को इसका ऑफिशियल लॉन्चिंग हुआ। टोटल सप्लाई 21 करोड़ की है, हालांकि बिटकॉइन की सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख की है। थंडर ट्रेन टोकन की सप्लाई 21 करोड़ की है। TRC20 ब्लॉकचेन पे इनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो डिप्लाई किया गया है वो TRC20 टेक्नोलॉजी पे है। अब बात आती है कि यहाँ पे पैसे कैसे बनेंगे, और उससे भी पहले बात आती है इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने किया है। दोस्तों यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी पॉइंट को देख करके मैंने इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाया। क्योंकि अगर आप बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में तो सतोशी नाकामोटो जिसे पूरी दुनिया कभी भी नहीं मिली आज तक, लेकिन आज वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। दूसरा, अगर आप बात करेंगे दुनिया की दूसरी मोस्ट क्रिप्टो करेंसी जो सबसे ज्यादा हाई डिमांडेड है, और वो है एथेरियम। दोस्तों एथेरियम एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए मतलब बहुत कुछ है एडवांटेजेस, समय कम है इसलिए मैं उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ा रिवोल्यूशन है। ओके, सेकेंड एथेरियम की बात करेंगे तो एथेरियम भी आज पूरी दुनिया में अगर पिछले 2015 से एग्जिस्ट कर रही है और उसने हाइट को छुआ है। 2015 में एक एथेरियम की कीमत 50 रुपए हुआ करती थी, लेकिन आज आप देखेंगे तो इसने 3,75,000 रुपए की वैल्यू को टच किया। राइट नाउ अभी 2,00,000-2,50,000 या 2.5-3 लाख के आसपास की इसकी वैल्यू चल रही है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एथेरियम का जो फाउंडर है वो व्यक्ति खुद ही डेवलपर है, मिस्टर वैतलिक वैतरिन, वो खुद ही डेवलपर हैं। अगर आप बात करेंगे जस्टिन सन के बारे में, अगर ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने एथेरियम और बिटकॉइन को कॉपी करते हुए ट्रॉन को लॉन्च किया। अगर आप वहां पे भी देखेंगे तो मिस्टर जस्टिन सन भी एक डेवलपर के रूप में रहे हैं। अगर आप और भी दूसरे जितने भी सक्सेसफुल प्रोग्राम देखेंगे आप, तो वहां पे मेजर जो पॉइंट आपको दिखाई देगा कि प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला जो व्यक्ति है ना, वो खुद भी डेवलपर है। ये सबसे बड़ा की पॉइंट था मेरे लिए इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने का, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों प्रोजेक्ट के फाउंडर के बारे में, मिस्टर जेपी रेडमेयर, जो कि साउथ अफ्रीका मूल के हैं और इनकी खुद की अपनी एक कंपनी है साउथ कोस्ट वेब। आज के डेट में पूरी तरीके से स्पेशलाइज है कस्टम मेड मोबाइल एप्लीकेशन, क्रिप्टो नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोग्राम को डेवलप करने में। मिस्टर जेपी रेडमेयर ऑलरेडी पिछले 23 साल से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का काम खुद भी करते रहे हैं, गेमिंग आर्किटेक्चर के तौर पे, पीसी सपोर्ट के तौर पे, वेबसाइट डेवलपमेंट के तौर पे, और पिछले कुछ 5-8 सालों के अंतराल में क्रिप्टोकरेंसी और क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म को भी डेवलपमेंट करने का काम करते रहे हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट था मेरे लिए इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए। दूसरा पॉइंट था इनका अपना खुद का टोकन है। तीसरा जो पॉइंट था कि इन्होंने इस टोकन को कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि देखिए जब तक किसी क्रिप्टोकरेंसी का कंजप्शन नहीं बढ़ेगा, डिमांड नहीं क्रिएट होगी, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ सकती। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए इन्होंने इस सिस्टम में पांच अलग अलग मेगा इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म को कनेक्ट किया है। बात समझने की कोशिश करिएगा, जहां पे टोकन का कंजप्शन होने वाला है। अगेन रिपीट करता हूं, ट्रॉन थंडर एक ग्लोबल न्यू जनरेशन क्रिप्टो टोकन प्लेटफॉर्म है, और इस प्रोजेक्ट में 5 प्लेटफॉर्म अलग बिल्ड किए गए हैं जहां पे इस टोकन का कंजप्शन होना है। पहला है टेक्निकल एजुकेशन के प्रोवाइड करने के लिए लाइटनिंग एकेडमी, दूसरा है क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने के लिए क्रिप्टोपैड, तीसरा है गेमिंग एनएफटी गेमिंग लॉन्च करने के लिए, यानी कि प्ले टू अर्न गेम होगा, यानी जैसे लूडो और दूसरे अदर गेम होते हैं उनको देख करके उनके जैसे गेम आप बहुत से मार्केट में देखते हैं, तमाम गेम चल रहे हैं, तो उस तरीके के गेम होंगे, लेकिन वो एनएफटी गेम होंगे। एनएफटी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा आप गूगल करेंगे तो ज्यादा आपको जानकारी मिलेगा। एनएफटी गेम होते हैं, उनके माध्यम से भी लोग यहाँ पे पैसा बनाएंगे, टेक्निकल एजुकेशन के लेकर के भी लोग पैसा बनाएंगे, क्योंकि अगर बहुत से लोगों को आज अगर इनकम नहीं बन रही है, तो आज जिस इनकम बनाने के लिए जिस स्किल की जरूरत है,
जिस नॉलेज की जरूरत है वो लोगों के पास नहीं है, तो वो हमें हासिल करना होगा। उसके लिए टेक्निकल एजुकेशन के लिए लाइटनिंग एकेडमी को बिल्ड किया गया है, वहां पे भी सब कुछ पब्लिक के थ्रू ही होना है, यानी पब्लिक के बीच में से ही वहां पे कोई ट्यूटर जाएगा, कोई इंस्ट्रक्टर, कोई इंस्ट्रक्टर जाएगा, कोई कंटेंट क्रिएटर जाएगा, अपने कंटेंट को वहां पे लोड करेगा और फिर पब्लिक में से ही कोई व्यक्ति जाएगा वहां पे सीखने के लिए, तो वो फी पे करेंगे और वो व्यक्ति जो फीस पे करेगा उसमें दो पर्सन होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। सेम यही चीज आपका एडवर्टाइजमेंट के सेक्टर में होने वाला है। एडवर्टाइजमेंट के प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति आकर के अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकता है, अपने सर्विसेज को प्रमोट कर सकता है, और यस उस प्रमोशन के लिए उन्हें फीस पे करनी पड़ेगी, और जो फीस पे करेंगे उसमें से कुछ पोर्शन जाएगा एडवर्टाइजमेंट को देखने वाले इस कम्युनिटी के तमाम मेंबर्स को, और दूसरा पोर्शन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को। तीसरा अगर हम बात करेंगे एनएफटी गेमिंग के मामले में तो सेम यहाँ पे भी वही होने वाला है। चौथे प्लेटफॉर्म की बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी लॉन्चिंग के लिए, तो यहाँ पे भी यही होने वाला है। क्रिप्टो करेंसी लिस्टिंग की प्रक्रिया में ट्रॉन थंडर किस तरीके से काम करने वाला है, जब भी आप देखेंगे कोई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आती है, एक्सचेंज पे आता है, तो सबसे पहले उसको अपनी कम्युनिटी बनानी होती है। कम्युनिटी बनाने के लिए मैक्सिमम आज तक जितने भी देखे गए हैं, शायद ट्रॉन थंडर पहला प्रोजेक्ट था मुझे जहां तक अनुमान है, और इसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट मैंने नहीं देखा। इवन 2017 से मैं भी कनेक्टेड हूँ, बट रियली बताऊं और इस तरीके का प्रोजेक्ट अभी तक नहीं देखा। क्रिप्टो कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट अपना एयर ड्रॉप चलाते हैं, यानी फ्री में अपने टोकन को बांटते हैं लोगों के बीच में, और लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं या टेलीग्राम पे बोट वाला चैनल चलता है, ये सब कुछ करके वो एयर ड्रॉप में टोकन को रिसीव करते हैं। टोकन को रिसीव करने के बाद उस प्रोजेक्ट का जो भी डेवलपर होता है, फाउंडर होता है, लॉन्च करने वाला व्यक्ति होता है, वो अब उस टोकन को पब्लिक में सेल करता है कैपिटल गेन करने के लिए, मार्केट लिक्विडिटी बनाने के लिए। ओके, उसके बाद वो जाता है एक्सचेंज पे, तो एक्सचेंज पे जाने से पहले कम्युनिटी बनाना और कैपिटल गेन, मार्केट कैपिटल गेन करना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे ट्रॉन थंडर कम्युनिटी टोकनाइजेशन के थ्रू और भी बहुत सारे टोकन मिलने वाले हैं, उन टोकन को इस कम्युनिटी में लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि ये कम्युनिटी उनके टोकन को सपोर्ट करेगी और उसके एवज में वो कुछ इंसेंटिव पे करेंगे, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे ट्रॉन थंडर यानी कि थंडर ट्रेन टोकन का ही इस्तेमाल होने वाला है। पांचवा जो प्रोजेक्ट है इसमें, पांचवा जो प्लेटफॉर्म है वो है अफिलियट सिस्टम। अफिलियट सिस्टम अगर बात करें, सबसे छोटी इंडस्ट्री है अफिलियट सिस्टम के बारे में बात करें, अभी तक मैंने जो भी बताया आपका लाइटनिंग एकेडमी, टेक्निकल सॉरी एडवर्टाइजमेंट एडवर्ल्ड, आपका गेमिंग और आपकी क्रिप्टो करेंसी, ये अभी तक जितने भी मैंने चार बताए ये सबसे बड़ी मार्केट है इनका। तो किसी का 647 बिलियन डॉलर है, किसी का 137 है, सबसे कम अगर बात करें तो 8 बिलियन डॉलर का ग्लोबल मार्केट कैपिटल है अफिलियट मार्केटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पे भी इस टोकन को इस्तेमाल किया जाना है, लेकिन अफिलियट मार्केटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया क्यों जाना है दोस्तों? दुनिया में जितनी भी कंपनियां लॉन्च होती हैं, जितनी भी कंपनियां काम करती हैं, उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए किसी न किसी माध्यम का, तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए अफिलियट मार्केटिंग जो सिस्टम होता है वो दुनिया का सबसे रॉकेट बिजनेस देने वाला, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस देने वाला सिस्टम होता है अफिलियट मार्केटिंग सिस्टम। इसमें जो अफिलियेटर होते हैं उनके लिए भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। कोई सरदर्दी नहीं, कोई हेडक नहीं, कोई टेंशन नहीं, प्रोडक्ट बिका कि नहीं बिका, लोगों ने ज्वाइनिंग किया कि नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी टीम टूट गई, कौन सी भग गई, सारा टेंशन नहीं होता है। अफिलियट सिस्टम में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट सिनेरियो होता है, खास करके अगर इस वक्त कोई साथी नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम की कंपनी से जुड़े हुए हैं और वो यहाँ पे आए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि 9 साल में भी नेटवर्क मार्केटिंग में रहा हूँ, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अफिलियट सिस्टम में भी इस टोकन का इस्तेमाल किया जाना है। ये सारे प्लेसेस रहे, ये सारे प्लेटफॉर्म रहे जहाँ पे इस टोकन का इस्तेमाल किया जाना है। अगेन रिपीट करता हूँ, 8 अरब की आबादी है पूरे वर्ल्ड में, 21 करोड़ की टोटल सप्लाई है, 5 प्लेटफॉर्म है, और अगर आप बात को समझ रहे हैं तो ये समझिए कि ये टोकन अपने सेकेंड फेज में आ चुका है, पब्लिक सेल इसका लाइव हो चुका है, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0.1 USDT है, यानी लगभग 8 रुपए के आसपास की पड़ रही है। अब ये टोकन का कंजप्शन जब इस तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलेगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में इस टोकन की वैल्यू कहां पे जाने वाली है। हालांकि मेरा जहां तक अनुमान है, बताते चलूं आपको कि मेरा जहां तक अनुमान है 19-20 हो सकता है, लेकिन अगले तीन साल के अंदर अंदर एक टोकन की वैल्यू जो 8 रुपए है वो $100 को जाएगी, मतलब 7,500 से 8,000 रुपए के ऊपर जाएगी। हो सकता है कि आप मेरी इस बात को बिलीव नहीं करें, लेकिन इसके लिए मैं बता दूं, 2017 में बाइनेंस एक्सचेंज जब लॉन्च हुआ था तो उसके BNB टोकन की वैल्यू बिल्कुल जीरो थी,
लेकिन 2021 में जब बाइनेंस की कीमत, बाइनेंस के टोकन की यानी बीएनबी की जो कीमत है सबसे हाईएस्ट पे गई थी, तो जो फ्री में मिले हुए टोकन थे उसकी कीमत 4 करोड़ रुपए हो चुकी थी। बट क्यों? क्योंकि एक्सचेंज को यूज करने वाले लोगों की, यूजर्स की कम्युनिटी बढ़ी। कम्युनिटी क्यों बढ़ी? क्योंकि एक्सचेंज ने सर्विसेज बहुत अच्छे अच्छे प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। तो वो सारी चीजें ट्रॉन थंडर में भी है, 5 मेगा इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा होने वाला है। तो अपॉर्चुनिटी ये भी है कि हम टोकन को, अगर हमें फ्री एयर ड्रॉप के माध्यम से टोकन नहीं मिला है तो हम अपने लिए टोकन को खरीद भी सकते हैं, और ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत से लोगों को ये मलाल रहता है कि मुझे बिटकॉइन शुरुआत में नहीं मिला वरना मैं भी खरीद लेता। जैसे मुझे हमेशा तकलीफ रहती है कि मुझे 2008 में 2009 में बिटकॉइन मुझे बिटकॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली। दोस्तों अवेयरनेस यही होती है। अभी हम आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में अवेयर कर रहे हैं, और इसी तरीके से किसी ने बिटकॉइन के बारे में मुझे अवेयर नहीं किया। अगर किया होता तो शायद अच्छे खासे अमाउंट में हमने भी बाय कर लिया होता। खैर मिस हो गए। क्यों बाय कर लिया होगा? क्योंकि 2008 में अगर आप गौर करके चेक करेंगे ना, जाकर के ब्लॉकचेन पे चेक करेंगे, तो उस वक्त की जो वैल्यू थी ना एक बिटकॉइन की 8 से 10 पैसे हुआ करती थी। कुछ साथी बताते हैं 15 पैसे 20 पैसे, लेकिन नियर अबाउट 8 से 10 पैसे एक बिटकॉइन की कीमत थी 2008 से 2009 में। अभी जरा सोचिए 12 साल के अंतराल पे एक बिटकॉइन की कीमत 50 लाख को पार कर गई। हालांकि कहीं कहीं लोग बोलते हैं 55 लाख, लेकिन मैं कहता हूं कि 50 लाख के पार तो 55 लाख होता ही है ना, तो 50 लाख को पार गई। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने इस मौके को गंवा दिया। रीजन, हमें अवेयरनेस नहीं थी, हमें पता ही नहीं चला कि बिटकॉइन कब आया। ओके, तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी, आज भी आप आए हैं, आप हो सकता है अब से पहले आपको ट्रॉन थंडर के बारे में नहीं पता हो, इवन जो जुड़े हुए हैं उनको भी आज इस प्लेटफॉर्म के बारे में हमने जो बात किया, इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी उनको डिटेल तफसील से जानकारी नहीं होगी, विस्तार से जानकारी नहीं होगी। वो बस यही जान रहे होंगे कि यहाँ पे जोड़ो जोड़ो खेल खेलना है। नो, तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म बिल्ड किए गए हैं, टोकन का कंजप्शन होना है, और यहाँ पे ये 5 प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए लोग पैसा बना सकते हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए आपको ट्रॉन थंडर कम्युनिटी ज्वाइन करना होता है, और वहां से आप ये सारी चीजों की शुरुआत करते हैं। जिसमें बात करें दोस्तों, इसके अलावा बात करें हमारे लिए और स्पेशल क्या है, हमारे लिए स्पेशल ये है कि यहाँ पे इस सिस्टम में, ओके ममता सिंह जी, रूबी स्टार, आपका वेलकम है। यहाँ पे इस सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है, आप इस सिस्टम में बहुत ही आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पिछले 7.5-8 महीने के अंदर, 7 से 8 महीने के अंदर यहाँ पे सबसे बड़ा, देखिए एक व्यक्ति जिसने किया हो उसका भी रिकॉर्ड बनाना है, और बहुत से लोगों ने जो किया है उसका भी बताना है। सबसे बड़ा जो पैसा बना है, लगभग 2 करोड़ 35 या 40 लाख रुपए की यहाँ पे कमाई हुई है एक व्यक्ति की, जिनका नाम है श्री राजेश धनावड़े। ओके, उनके बाद यहाँ पे और भी लोग हैं, जैसे मैक्सिम है रसिया से, चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल है, यहाँ पे केवल इंडिया बेस का लीडरशिप नहीं है कि एक स्टेट का काम करेगा तो दूसरे का नहीं करेगा, तीसरे का नहीं करेगा, ये पूरा ग्लोबल प्रोग्राम है। ओके, तो मैक्सिम रसिया से हैं, हालांकि अभी रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तो वहां पे बिजनेस डाउन चल रहा है, लेकिन एडवांटेज क्या है कि अब इंडिया में भी चल रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश में चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, सऊदी में चल रहा है, कुवैत में चल रहा है, साउथ अफ्रीका में चल रहा है, साउथ अफ्रीका के अदर दूसरे स्टेट्स में चल रहा है। तो ये इसे सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़े पैसे बनाए हैं। बड़ा मतलब, ये बड़ा बोलने का मतलब यह है कि आपका एक माइंड वहां पे जा सके कि इतने दिनों में यहां तक लोगों ने किया है तो यहां तक हम जा सकते हैं। ये जस्ट एक प्रोजेक्शन है, लेकिन अब एक बात बताइए कि इतनी बड़ी पेमेंट इनकम बनाने के लिए अगर हमें सही में देखा जाए तो कितने बड़े अमाउंट के इन्वेस्टमेंट की, कितने बड़े खर्चे की, कितने लीगल वर्क की, कितने बड़े वर्क फोर्स की, कितना हेडक लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिंपली उन्होंने भी इसी तरीके से आपकी तरह से एक दो आईडी लगा करके शुरुआत किया, लोगों को बताना शुरू किया प्रोजेक्ट के बारे में, और यस बाकी आप सब जानते हैं कि
कि सबसे बड़ा अगर पेमेंट कमाने वाली आईडी है तो राजेश धनावड़े जी की है, उसके बाद जहां तक मैं समझता हूँ जगन्नाथ आर पवार जी हैं, विजय अनपट सर हैं, प्रशांत मोरे सर हैं, मुकेश कुमार भूषण जी हैं और भी तमाम साथी हैं सर दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आप जाते हैं उस सिस्टम में ज्वाइन करते हैं, ग्रेट, अच्छा कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का, 529 लोग हो चुके हैं, अगेन मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। दूसरा पॉइंट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इस प्रोजेक्ट में बहुत ही हाई लेवल पर है। आपका जो भी ईमेल आईडी होता है, आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, किसी भी थर्ड पर्सन को शेयर नहीं किया जाता है, और जो भी लेन देन होता है वो सब कुछ ट्रॉन ब्लॉकचेन के थ्रू होता है, क्योंकि ज्वाइनिंग जो भी होती है वो ट्रॉन क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से होती है, इसलिए ट्रॉन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है और सारे लेनदेन ट्रॉन ब्लॉकचेन के थ्रू ही होते हैं। और आपको बता दूं कि ब्लॉकचेन के जरिए लेनदेन हो, जितने भी लेनदेन होते हैं सारे रिकॉर्ड 100% सेफ होते हैं, हैक प्रूफ होते हैं, कभी भी उन्हें हैक नहीं किया जा सकता, चाहे तो कोई ट्राई करना चाहे तो कर ले, 100-200 साल लगेंगे तब भी वो नहीं कर पाएगा। यस, बिकॉज ये कारण क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना भी वहां पे है सब कुछ डिसेंट्रलाइज मोड में है, जैसे डेटा बैंकों के जो डेटा होते हैं वो सेंट्रलाइज सर्वर पे उसको स्टोर किया जाता है, लेकिन ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी होती है इसमें मल्टीपल सर्वर होते हैं और वो मल्टीपल सर्वर पे, सारे सर्वर पे एक ही डेटा मौजूद होता है, तो आप एक पे हैक करके अगर डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे या कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, दूसरे से बैकअप मिल जाता है, तीसरे से बैकअप मिल जाता है, तो इसलिए हैक नहीं हो सकता और यहाँ पे आपकी इनकम पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यूजर फ्रेंडली, इतना आसान है इस सिस्टम में शामिल होना, इतना आसान है इस सिस्टम के जरिए पैसा कमाना कि एक आम आदमी भी, इवन टेक्निकल माइंडेड जो लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, जो पढ़े लिखे हैं ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन सिस्टम का, इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है कि पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना और दुनिया में फैली हुई गरीबी को मिटाने का प्रयास करना, अपना कंट्रीब्यूशन करना। तो जब हम बात करेंगे गरीबी मिटाने के लिए तो यकीनन हमारे प्लेटफॉर्म को इतना सिंपल वे में होना भी पड़ेगा कि कम पढ़े लिखे लोग भी, इवन इलिटरेट लोग भी, अगर उन्हें समझाया जाए, बताया जाए, एजुकेट किया जाए तो वो सीख सकते हैं। और दोस्तों मेरा अब तक का रिकॉर्ड है 45 मिनट से ज्यादा किसी भी व्यक्ति के साथ मेरा समय नहीं लगा है, चाहे वो आम इंसान हो या कभी टेक्निकल नॉलेज हो या ना हो, लेकिन मैक्सिमम 45 मिनट में लोग इस प्रोजेक्ट को समझ जाते हैं। और मैं कहता हूँ 45 मिनट में अगर आप किसी प्रोजेक्ट को समझ करके काम करना शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल आसान हुआ, क्योंकि बहुत सारे इससे भी पहले मेरा दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ वास्ता रहा है, बाकी लोगों का तो मुझे लगता है पिछले 10 साल में 20-25 कंपनियों में वास्ता हुआ होगा, तो लेकिन इतना टिपिकल होता है, इतना टर्म एंड कंडीशन होता है, इतना टेक्निकलिटीज होती है, लोग चाह करके भी नहीं कर पाते, लेकिन ये इतना सिंपल है कि आप इसे करना चाहे तो आधे घंटे में सीख करके काम शुरुआत कर सकते हैं। और यस, काम को शुरुआत करके आप 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए, 250 रुपए, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10, 20, 50000, 1 लाख, 2 लाख रुपए तक की पेमेंट डेली ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डेली, तो आप डेली ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 100% ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए क्या क्या यहाँ पे पैरामीटर फिक्स किया गया है, इसको आप जरा समझिएगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट का लेखा जोखा किसी भी व्यक्ति के सामने, मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं रखती है, लेकिन यहाँ पे भी जो भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट मिलता है उसको पब्लिक डोमेन में रखा गया है। ब्लॉकचेन ट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्रॉन ब्लॉकचेन के थ्रू जितना भी लेन देन होता है उसका इस्तेमाल, उसका जो भी डिटेल है वो सब पब्लिक डोमेन में है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कितने लोगों ने कम्युनिटी को ज्वाइन किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज के डेट में कम्युनिटी में 1000 लोगों ने ज्वाइन किया, 100 लोगों ने ज्वाइन किया या 500 लोगों ने ज्वाइन किया, जो भी ज्वाइन किया उसका डेटा एक एक सेकंड में वेबसाइट पे अपडेट होता रहता है। अगेन बात करूं दोस्तों, अचीवर्स की संख्या एक एक सेकंड में अपडेट होती रहती है। पांचवा पॉइंट, यहाँ पे इनकम जो भी बनती है ना वो आपको इंस्टेंटली के इंस्टेंटली मिल जाती है, यानी अभी इनकम बनी, अभी आपके अकाउंट में आ गया, जबकि हमने दूसरे ट्रेडिशनल मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में देखा है अभी पे आउट, अभी सेल आउट हुआ, पे आउट मिलेगा 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 45 दिन बाद, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेल आउट अभी हुआ, पे आउट अभी बनेगा, आप उसको विड्रॉ करिए, 5 से 7 मिनट में आपके अकाउंट में हो जाता है। कैसे होता है इसके लिए आपका जो भी जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है उनके साथ सीखिए और समझिए, अपने एक्टिव अपलाइन के टच में रहिए। ओके, अगेन बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यही वो पॉइंट है जिसके वजह से ट्रॉन थंडर टिका हुआ है और टिका रहेगा, और यस इसी के वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन 100% लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रही है और इसकी पहचान 100% लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे है, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं होता तो भी शायद मेरा यहाँ पे कनेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं होगा वहां पे केवल पिरामिड स्कीम
मनी रोटेशन, यही सब कुछ चलता है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, इसलिए हम बात करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। कोई मनी रोटेशन का काम नहीं है, कोई आरओआई का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप यहाँ पे 1 लाख डालिए डेली आपको 1000 रुपए मिलेंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ पे ओवर कमिटमेंट नहीं है। क्योंकि कंपनियां जहां तक जितनी भी भागी हैं सबके साथ यही रहा है, पैसे सेंट्रल अकाउंट में जाते हैं, दूसरा आरओआई का वादा होता है। तो ये दो मेजर इशू रहा है और वो दोनों पॉइंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जितना भी कंट्रीब्यूशन आता है उसी समय कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में बट जाता है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे कोई आरओआई का वादा नहीं है, आरओआई का कोई वादा ही नहीं है, तो कोई कमिटमेंट का मतलब है ही नहीं कि प्रेशर बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे लोगों को पैसे बनते हैं, जबरदस्त वाले बनते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसके लॉन्ग टर्म के बारे में, तो जून 2022 तक 5 लाख लोगों की एक्टिव कम्युनिटी बिल्ड करने का टारगेट है। और मुझे उम्मीद है आप सभी लीडर्स और सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन के बदौलत यह ऑर्गेनाइजेशन 100% अपने टारगेट को हिट करेगी। क्यों? क्योंकि फरवरी में 1 लाख लोगों का टारगेट, फरवरी 2022 में 1 लाख लोगों का कम्युनिटी बनाने का टारगेट लिया गया था, लेकिन हम लोगों ने उसे समय से पहले ही कंप्लीट कर लिया। फरवरी खत्म होने से पहले ही हमने 1 लाख लोगों की एक्टिव कम्युनिटी बिल्ड कर लिया है। दोस्तों अगेन बात करें सितंबर 2022 तक 10 लाख लोगों की एक्टिव कम्युनिटी बिल्ड करने का टारगेट है। ये कम्युनिटी बिल्ड करने का टारगेट क्यों है दोस्तों? क्योंकि दुनिया में सभी को पता है कि जितनी बड़ी कम्युनिटी उतना बड़ा नेटवर्क, उतनी बड़ी वैल्यू। अगर आज के डेट में एक छोटे से सिंपल से पावरफुल एप्लीकेशन फेसबुक के जरिए अगर मार्क जुकरबर्ग हर घंटे 100 करोड़ रुपए की इनकम कर रहे हैं, रेवेन्यू जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है उनके एप्लीकेशन के जरिए दुनिया की 2.5 बिलियन से ज्यादा की आबादी उनके एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रही है। और उसी को देख करके दुनिया के तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेसमैन, मिडिल क्लास के बिजनेसमैन सब अपनी बिजनेस को वहां पे प्रमोट करते हैं और उसी के बदले उनको इनकम मिलती है। तो यहाँ पे कम्युनिटी को भी बड़ा किया जा रहा है। और दूसरा, जिस क्रिप्टो करेंसी के पास बड़ी कम्युनिटी होती है, बड़ा कंजप्शन होता है, बड़ा टर्नओवर होता है, बड़ी डिमांड होती है, उसका ट्रेडिंग के सेक्टर में भी बहुत बड़ी डिमांड होती है, बहुत बड़ी डिमांड होती है ट्रेडिंग के सेक्टर में भी। क्योंकि जब ट्रेडर्स ट्रेडिंग के मार्केट में जाएंगे तो जहां पे ट्रेडर्स को दिखता है कि मार्केट बुलिश हो रही है, पैसे बड़े आ रहे हैं, बड़ी बड़ी खरीदारी हो रही है, वो उसमें पैसे बड़े बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, जो कि मैंने बात किया लाइटिंग एकेडमी है, उसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्क पॉइंट है जो कि आपको ज्वाइनिंग होने पे मिलता है और आपके बार बार के कंट्रीब्यूशन पे मिलता है। नेटवर्क गेमिंग है, मेटावर्स गेमिंग है, एडवर्ल्ड है, एडवर्ल्ड के बाद आपका अफिलियट सिस्टम है और इसके बाद करेंगे अफिलियट सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। दोस्तों जितना भी पैसा कंट्रीब्यूशन के रूप में इस कम्युनिटी में आता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ट्रॉन यानी कि थंडर ट्रेन टोकन एक अलग पार्ट हुआ, यानी वो एक अलग प्रोडक्ट हो गया, उसको प्रमोट करने के लिए हमारा जो अफिलियट सिस्टम है वो एक अलग पार्ट हो गया। टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग है, ऑडिट हो चुका है उसका, वो सारा चीज अलग है, व्हाइट पेपर उसका है अलग है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कम्युनिटी प्रोग्राम है उसमें जो कंट्रीब्यूशन आता है उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी के लोगों के बीच में कर दिया जाता है। इस पैसे से जो भी फाउंडर है जेपी रेडमेयर, उनका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि खुद जेपी रेडमेयर की खुद अपनी आईडी लगी हुई है, 1 लगी हो 10 लगी हो वो मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर उस किसी व्यक्ति ने बिल्ड किया है, आप भी बिल्ड करेंगे, आप भी चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगेन कहने का मतलब यह है कि उनकी खुद की अपनी आईडी है और अपनी आईडी के जरिए रेफरल करके मिस्टर जेपी रेडमेयर आपको बता दूं डेली का कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की कमाई करते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि उनसे ज्यादा यहाँ पे दूसरे लोगों ने कमाया है। हमने बड़ी दूसरी कंपनियों में क्या देखा है कि लीडर चाहे जितना भी कर ले, लीडर चाहे जितना भी कर ले प्रमोट करने का काम, जितना भी कर ले रगड़ के मर जाएगा, मतलब छिलके छिलके उतर जाएंगे उसके, बेल्ट टाई सब फट जाएगा, लेकिन कभी भी उस कंपनी के ओनर से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। बट यहाँ इस प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जो प्रमोटर है वो ज्यादा कमाता है, क्योंकि जो जितना प्रमोट करेगा वो उतना ज्यादा कमाएगा। हालांकि नॉन वर्किंग में भी यहाँ पैसे मिलते हैं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल सिस्टम है कि जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। अब जो नहीं काम कर रहा है उसको फिर भी इस सिस्टम में पैसा मिल रहा है, बिना टीम बनाए मिल रहा है, लेकिन वो उसके कंपेयर में कम मिलेगा जिस व्यक्ति ने प्रमोशन का काम किया। 100% को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 40% कम्युनिटी रिवार्ड के रूप में और 60% रेफरल रिवार्ड के रूप में। कम्युनिटी रिवार्ड पूरी तरीके से नॉन वर्किंग इनकम है और ये सभी को मिलती है, रेफरल रिवार्ड पूरी तरीके से एक्टिव इनकम है, ये केवल उनको मिलता है जो लोगों को इनवाइट करते हैं, रेफरल करते हैं। ओके, तो बात करेंगे दोस्तों
रेफरल रिवार्ड किस तरीके, सॉरी कम्युनिटी रिवार्ड किस तरीके से मिलता है, यानी नॉन वर्किंग पैसिव इनकम कम्युनिटी रिवार्ड आपको किस तरीके से मिलता है। यहाँ पे दो तरह से कम्युनिटी रिवार्ड मिलता है, यानी कि दो तरह से नॉन वर्किंग इनकम मिलती है। पहला ये कि आपके ज्वाइन करने के बाद में अगले जो 20 लोग इस पूरी ग्लोबल कम्युनिटी में कहीं से भी जुड़ेंगे, उनके द्वारा जितना भी कंट्रीब्यूशन किया जाएगा उसका 1% आपको कम्युनिटी रिवार्ड के रूप में मिलता है वन टाइम। अब उदाहरण के लिए 20 लोग अगर जुड़ते हैं, सभी ने 1200 टोन का कंट्रीब्यूशन किया तो 240 टोन आपको आ जाते हैं, और इसको आने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 घंटे लगते हैं, इससे ज्यादा का समय नहीं लगता। रीजन कि ये कम्युनिटी इतनी तेजी से ग्रो हो रही है, इतनी तेजी से ग्रो हो रही है कि अगर आप लोगों ने एक दो महीना और लेट किया तो बहुत सारे आपके आस पड़ोस के लोग भी जुड़ चुके होंगे, फिर आप बाद में कहेंगे यार कि हमें तो जानकारी मिली लेकिन हमने डिसीजन नहीं लिया। तो डिसीजन लेना है लेकिन पहले प्रोजेक्ट को पूरा समझिए और उसके बाद में डिसीजन लेना है। दोस्तों इसके अलावा आपको नॉन वर्किंग इनकम के तौर पे कम्युनिटी रिवार्ड के रूप में आपके पहले ज्वाइन हुए जो 20 लोग हैं, एक तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में जो कहते हैं अपलाइन, अपलाइन मतलब आपसे पहले जो आया, लेकिन मैं कहता हूं अपलाइन वो होता है जो आपको अप होने के लिए लाइन देता है। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण के लिए, अर्जुन के लिए श्री कृष्ण अपलाइन थे, उनके सारथी थे, उनके मार्गदर्शक थे। तो अपलाइन यही करता है, आपके लिए युद्ध नहीं करेगा, आपके लिए लड़ाई नहीं करेगा, आपकी जिंदगी है, आपकी लड़ाई लड़नी होगी। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे आपसे पहले जो 20 लोग आए हुए हैं उनके विड्रॉल पर। जिंदगी भर जब भी वो विड्रॉल करेंगे उस वक्त उनके रिकंट्रीब्यूशन का 1%, और आपके बाद में जो 20 लोग आए हैं उनके भी रिकंट्रीब्यूशन का 1% हमेशा मिलता रहता है। जब भी वो 40 लोग, 20 ऊपर 20 नीचे के लोग आपका विड्रॉल करेंगे, आपको 1% उसका रिवार्ड मिलेगा कम्युनिटी रिवार्ड के रूप में, नॉन वर्किंग इनकम के रूप में, पैसिव इनकम के रूप में। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों रेफरल रिवार्ड के बारे में, यानी एक्टिव इनकम। अगर आप इस सिस्टम में लोगों को इनवाइट करते हैं, लोगों को ज्वाइन कराते हैं, लोगों को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मेंबर बनाते हैं, इस कम्युनिटी को बड़ा करने में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो आपको मिलता है रेफरल रिवार्ड, यानी कि एक्टिव इनकम। और दोस्तों एक्टिव इनकम के रूप में आप 60% तक का, 60% तक का रेफरल रिवार्ड अर्न कर सकते हैं, और ये आपको 10 लेवल का अफिलिएट कमीशन मिलता है 60%। इसमें जब आप लोगों को रेफरल करेंगे तो वो आपके डायरेक्ट रेफरल होंगे, और आपके डायरेक्ट रेफरल किए गए लोगों से जब भी वो लोग जुड़ेंगे, जितना भी अमाउंट से जुड़ेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे सभी से आपको 20% मिलेगा। और इतना ही नहीं, वो लोग अपने आगे अगर किसी को रेफरल करते हैं, अपने आगे अगर टीम को बिल्ड करते हैं, तो वहां आपकी दूसरी लेवल बनती है, और उनके आगे तीसरी लेवल, ऐसे करते करते दूसरे लेवल से लेकर के तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे लेवल तक की जो कम्युनिटी बनती है वहां पे आपको 4% प्रत्येक लेवल से, प्रत्येक व्यक्ति से मिलता है, और सातवें लेवल से लेकर 10वें लेवल तक आपको 5% प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक लेवल से मिलता है। दोस्तों इतना ही नहीं, ये जो 10 लेवल तक की जो कम्युनिटी होती है, ये लोग जब भी इनकम करेंगे और इनकम करके जब विड्रॉल करते हैं उस वक्त भी आपको रिकंट्रीब्यूशन का 5% सातवें लेवल से 10वें लेवल तक, 4% दूसरे लेवल से लेकर के छठे लेवल तक, और 20% का बहुत बड़ा अमाउंट होता है। डेली मेरा 5,000-10,000 का हो जाता है, नीरज जी तो मशहूर हो चुके हैं आज के रेट में विड्रॉल करने के मामले में। तो इस तरीके से डेली अगर वो लोग डेली विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको डेली पैसे बन रहे हैं। अब आपको डेली पैसा बने इसके लिए आपको ऐसे लोगों को डेवलप करना पड़ेगा जो डेली विड्रॉल कर सकें, और डेली विड्रॉल कौन करेगा, जो डेली काम करेगा। ओके, लेकिन ये सर्टेन टाइम तक है, ये सर्टेन यानी कि ये कुछ फिक्स समय तक है। यानी आप अगर देखेंगे, अगर हम लोगों ने अभी 26 मार्च को गोवा में एक प्रोग्राम हुआ था, वहां पे मैंने सुना और सभी लोगों ने सुना, जो वहां पे 462 लोग अवेलेबल थे, हालांकि वहां उतने लोगों के आने का उम्मीद नहीं था, 200 लोगों की उम्मीद थी, आए थे 462, बट वहां पे हमने क्या सुना कि मिस्टर राजेश धनावड़े जी उन्होंने सीधा कहा कि अगले 20 वर्षों तक अगर मैं कोई काम नहीं करता हूं तो इतनी इनकम यहां पे हो गई है कि मैं आगे उस चीज को मेंटेन कर लूंगा। तो काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए अभी जब तक वो बिल्ड नहीं हो जाता उसके लिए तब तक आपको काम करने की जरूरत है। और ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपको ये सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। दोस्तों यहाँ सब कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैजिक ऑफ ऑटो रिकंट्रीब्यूशन के आधार पे होता है। जब भी आप विड्रॉल करेंगे, जब भी कोई साथी विड्रॉल करता है,
उसको उसकी इनकम दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट उसको 50% जब तक वो वीआईपी टू स्टार नहीं हो जाते, शुरुआत से लेकर वीआईपी टू स्टार होने तक 50% इनकम उनके ट्रॉन के रूप में उनके वैलेट में जाती है और 50% के बराबर में उनको नेटवर्क पॉइंट मिलता है। और जब वो वीआईपी थ्री स्टार हो जाते हैं तो 60% ट्रॉन उनके वैलेट में जाने लगता है, 40% नेटवर्क पॉइंट ऐड हो जाता है। जब वो वीआईपी फोर स्टार हो जाएंगे तो 70% ट्रॉन वैलेट में जाएगा और 30% नेटवर्क पॉइंट के रूप में ऐड हो जाता है। अब ये 50% 40% 30% जो कंट्रीब्यूशन के लिए लिया जाता है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 40% नॉन वर्किंग रेफरल कम्युनिटी रिवार्ड के रूप में और 60% रेफरल इनकम के रूप में, एक्टिव इनकम के रूप में। दोस्तों इनकम के लिए एक छोटा सा लेकिन बड़ा पावरफुल, क्योंकि कहते हैं कि बहुत ही छोटी छोटी बातें बड़े पावरफुल होती हैं, बड़े काम की होती हैं, तो उसी तरीके से ये छोटा सा विंडो है रूबी रॉयल्टी। अगर आपने ज्वाइन होने के बाद 3 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया तो डेली जो नए लोगों से कंट्रीब्यूशन मिलता है, डेली जो नए लोग जुड़ते हैं 24 घंटे में, उनके कंट्रीब्यूशन का 10% रूबी रॉयल्टी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उन सभी लोगों को जो रूबी रॉयल्टी क्लब में शामिल होते हैं। 2500 ट्रॉन मिलने तक आप रूबी रॉयल्टी के मेंबर्स रहते हैं और 2500 ट्रॉन मिल जाने पर आप इस रूबी रॉयल्टी क्लब से बाहर जाते हैं और फिर दूसरे लोगों को इसमें इन होने का मौका मिलता है। और दोस्तों यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि 100% सस्टेनेबल प्रोग्राम है ये, क्योंकि बहुत से प्रोग्राम इसलिए कोलैप्स हो जाते हैं कि लोगों को भरते जाओ। भाई नाव है, नाव में अगर आप भरते जाएंगे और नाव से लोगों को उतारेंगे नहीं तो फिर डूबेगा ना। तो इसी तरीके से यह प्रोग्राम पूरी तरीके से लॉजिकल है। लॉजिकल की बात करेंगे तो यकीनन किसी भी पॉइंट पे आप इस प्रोजेक्ट को पीछे नहीं पाएंगे, कमजोर नहीं पाएंगे, कमतर नहीं पाएंगे। हाँ, अब अगर इलॉजिकल नेगेटिव बातें हैं, जिंदगी में हुई पुरानी घटनाओं को याद करके अगर रोना रोएंगे तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। 558 लोग चुके हैं, सभी का स्वागत है और ग्रेट, आप बहुत अच्छी कम्युनिटी काम कर रही है। तो दोस्तों सलाम करता हूँ आप सभी के डेडिकेशन को। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे इनकम का एक छोटा सा और बहुत ही पावरफुल सोर्स है, खिड़की है, और वो है रूबी लीडरशिप रॉयल्टी रिवार्ड। दोस्तों ज्वाइन करने के बाद जो लोग अपने डायरेक्ट में 10 रेफरल कर देते हैं उन सभी साथियों को डेली नए कंट्रीब्यूशन मिलने, नए साथियों से मिलने वाले कंट्रीब्यूशन का 10% इन लोगों को इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर 10 लाख का कंट्रीब्यूशन सभी लोगों से मिलता है पिछले 24 घंटे में, तो उसका 10% 1 लाख लीडरशिप रॉयल्टी में और 1 लाख रूबी रॉयल्टी में बढ़ जाएगा। अब अगर 1 लाख ट्रॉन, अगर अचीवर्स की संख्या 1000 है तो सभी के हिस्से में आएगा 100 ट्रॉन। अगर अचीवर्स की संख्या 10000 है तो कंट्रीब्यूशन की संख्या आएगी 10 ट्रॉन। दोस्तों यह डिपेंड करता है कंट्रीब्यूशन कितना आया और अचीवर्स की संख्या कितनी है, फिक्सेशन नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फिक्स इनकम की गारंटी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोग्राम लॉजिकल है, लॉन्ग टर्म तक चलेगा। क्योंकि जितने भी प्रोग्राम में आज तक आप उठा करके हिस्ट्री देख लीजिए, जितने भी प्रोग्राम ने आज तक आपको गारंटी लेकर के इनकम देने का वादा किया है, सबके सब रफू चक्कर हो चुके हैं, सब गधे की सिंह तक की तरह गायब हो चुके हैं। ओके दोस्तों, और एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे इनकम करने पे आपको सम्मानित किया जाता है। अदर प्रोजेक्ट में मैंने देखा है बिजनेस लाने पे सम्मानित किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इनकम करने पे सम्मानित किया जाता है। वीआईपी रैंकिंग का व्यवस्था किया गया है, अगर आप 2500 ट्रॉन की इनकम कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे वीआईपी 1 स्टार से सम्मानित किया जाता है और साथ में आपको 125 नेटवर्थ पॉइंट और आपको आपके अकाउंट में एड हो जाता है। वीआईपी 2 स्टार वर्किंग से हो या नॉन वर्किंग से हो, दोनों मोड से हो, जैसे भी हो, 10,000 ट्रॉन की जब आप इनकम कर लेंगे तो आप वीआईपी 2 स्टार हो जाते हैं, यहाँ पे आके अगेन 500 नेटवर्थ पॉइंट ऐड हो जाता है। वीआईपी 3 स्टार अगर आपको नॉन वर्किंग के जरिए 10,000 ट्रॉन की इनकम हो जाती है तो मुझे लगता है आपको समझ आ चुका होगा, आपको इतना तो आइडिया लग चुका होगा कि ये प्रोजेक्ट कितना सॉलिड है और इसमें काम करके बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। और अगर इसी तरीके से आप 25,000 ट्रॉन की इनकम कर लेते हैं, साथ में अपने 10 डायरेक्ट रेफरल कर देते हैं, तो आपको वीआईपी 3 स्टार से सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पे एडवांटेज ये मिलता है कि जब आप वीआईपी 3 स्टार हो जाते हैं, 25,000 ट्रॉन की इनकम कर लेते हैं और अपने डायरेक्ट में 10 रेफरल कर देते हैं, तो आपका जो विड्रॉल रेशियो होता है 50% से बढ़कर 60% हो जाता है और अगेन आपके ट्रॉन थंडर अकाउंट में 1,250 नेटवर्क पॉइंट ऐड हो जाता है। बात करें दोस्तों वीआईपी 4 स्टार के बारे में, डायरेक्ट में 20 रेफरल करने वाले और 1 लाख टोटल ट्रॉन कमाने वाले व्यक्ति को वीआईपी 4 स्टार माना जाता है। याद रहे, अगर आपने 1 लाख ट्रॉन कमा लिया और डायरेक्ट में 20 रेफरल नहीं हुआ है तब तक आप एलिजिबल नहीं है वीआईपी 4 स्टार के रिवार्ड के लिए। ओके, तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि वीआईपी 4 स्टार जब आप बन जाएंगे तो आपकी जितनी इनकम होती है उसका 70% ट्रॉन आपके वैलेट में जाने लगता है। इसके लिए आपको डायरेक्ट में 20 रेफरल करना जरूरी होता है और ये बहुत आसान भी है, बहुत से लोगों ने यहाँ पे करके कंप्लीट भी कर लिया है और आप भी कर सकते हैं क्योंकि आप में बहुत सारी संभावनाएं है।
बात करें वीआईपी फाइव स्टार के बारे में, तो 2.5 लाख ट्रॉन की टोटल अर्निंग कर लेने पर आप वीआईपी फाइव स्टार हो जाते हैं। और यस, यहाँ पे आपको 12,500 नेटवर्थ पॉइंट गिफ्ट के रूप में मिलता है। अगर हम बात करें वीआईपी सिक्स स्टार के बारे में, तो टोटल अर्निंग 10 लाख ट्रॉन की जब भी हो जाती है, आप वीआईपी सिक्स स्टार हो जाते हैं। और यस, बात करें दोस्तों, तो वीआईपी सिक्स स्टार होने पे 50,000 नेटवर्थ पॉइंट आपके ट्रॉन थंडर अकाउंट में ऐड कर दिए जाते हैं। इसके इतना ही नहीं, वीआईपी सेवन स्टार की बात करें, तो 25 लाख ट्रॉन की टोटल अर्निंग करने वाले व्यक्ति को वीआईपी सेवन स्टार से सम्मानित किया जाता है, और उनके नेटवर्थ उनके अकाउंट में 1,25,000 नेटवर्थ पॉइंट ऐड कर दिया जाता है। दोस्तों, 1,25,000 नेटवर्थ पॉइंट कमाने के लिए आपको 2.5 लाख ट्रॉन का विड्रॉल करना पड़ता है 50% के रेशियो से, तब जाकर के ये इतना अमाउंट आपके ट्रॉन थंडर अकाउंट में ऐड होता है। लेकिन यहाँ केवल आपके वीआईपी सेवन स्टार बनते ही इतना अमाउंट एक्स्ट्रा एडिशनल आपको गिफ्ट रिवार्ड के रूप में मिल जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सिस्टम में शुरुआत कैसे करें। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। मिनिमम 600 ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करके आप इस सिस्टम में शुरुआत कर सकते हैं। 600 ट्रॉन जब भी आप पे करेंगे, तुरंत आपको 600 नेटवर्थ पॉइंट मिलेगा वैल्यू फॉर मनी के लिए। एडवर्ल्ड गेमिंग और आपका लाइटनिंग एकेडमी के जो बेसिक कोर्स हैं, इनको एक्सेस करने का मिलेगा, और साथ ही साथ आपके 10 अपलाइन और 10 लेवल डाउनलाइन एक्टिवेटेड मिलेंगे ग्लोबल से। तो इनके कंट्रीब्यूशन का, इनके रिकंट्रीब्यूशन का 1% आजीवन आपको मिलता रहेगा। रिकंट्रीब्यूशन का केवल आपके ज्वाइन होने वाले बाद लोगों के अमाउंट पे मिलेगा, लेकिन रिकंट्रीब्यूशन आपके अपलाइन डाउनलाइन दोनों का मिलता है, और ये लाइफ टाइम मिलता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको अफिलियट सिस्टम का भी टूल्स मिलता है फ्री गिफ्ट के रूप में, कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट होता है। तो यहाँ पे आप इस अफिलियट सिस्टम का इस्तेमाल करके आप रेफरल करके भी पैसा कमा सकते हैं। अगेन, 1,200 ट्रॉन का एक अगला पैकेज है जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपको 1,200 ट्रॉन से ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके इंडियन रुपए में बात करें तो लगभग 6,200, 1,100, 1,200, मतलब 6,500, 7,000 यहाँ तक कि दोस्तों मेरे डायरेक्ट में बहुत से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने 1,200 ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करने के लिए 10,000, 11,000 रुपए का पेमेंट किया है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हम 11,000 का पेमेंट कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हमको अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी मिल रही है कि हम डेली 11,000 रुपए की पेमेंट ले सकते हैं। हाँ, उसके लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। हम अदर दूसरे जगह 11,000 लगा करके भी 11,000 नहीं कमा सकते, लेकिन यहाँ पे हम 11,000 खर्च करके 11,000 रुपया कमा सकते हैं। ये हमें से बहुत से लोगों ने प्रूफ किया है, आप भी कर सकते हैं। अगेन, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी होता है कि आपको 20 अपलाइन और 20 जो डाउनलाइन होती है ग्लोबल की, वो एक्टिवेटेड मिलती है, उसके रिकंट्रीब्यूशन का 1% मिलता है, और जो आपके बाद ज्वाइन करने वाले लोग होते हैं उनके ज्वाइनिंग का भी 1% मिलता है। बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। और हाँ, अभी एक ऑफर चल रहा है, अगले 15 अगस्त 2022 तक जो लोग वीआईपी 5 स्टार बन जाएंगे, उनको दुबई में जो इवेंट होने जा रहा है, आने जाने का एयर ट्रिप का खर्चा, स्टे का खर्चा, इवेंट का खर्चा, ये सारा कुछ पेड किया हुआ एक ट्रिप मिलेगा जो उन्हें जाने का मौका मिलेगा, और वल्ला हबीबी ये सब करने का और देखने का सुनने का मौका मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है, अपने बहुत से दोस्तों को इनवाइट करिए। इससे क्या होगा कि जो आपके लिए पॉसिबिलिटी है वो बहुत आसान हो जाएगी, और बहुत जल्दी आप वीआईपी 5 स्टार बन जाएंगे। तो जूम को जरूर कनेक्ट रखिए, और अपने बहुत सारे दोस्तों को इस जूम के जरिए सीखने और सिखाने का जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम का हम लोगों ने कल्चर शुरू किया है, इसको आप आगे बढ़ाइए, आप आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब आप आगे बढ़ाते हैं दूसरे लोगों को, तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इतनी सारी बातों के साथ मैं अभी अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और अगले अगले 10 से 15 मिनट आप लोग मेरे साथ रहेंगे। और यस, हो सकता है आप में से जो साथी हैं, कोई एक व्यक्ति लकी विनर होने वाला है आज के जूम शो का, जिसको 200 ट्रॉन का रिवार्ड मिलने वाला है, और वो रिवार्ड आज के डेट में स्पॉन्सर किया है प्रशांत मोरे सर ने, जो कि महाराष्ट्र से हैं और वीआईपी सिक्स स्टार हैं। तो बने रहिए, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक से दो लोगों का टेस्टिमोनियल लेंगे, और मैं बिल्कुल एक तरीके से आपका इंटरव्यू मोड में बात करने वाला हूँ, किसी को मतलब बिल्कुल इंटरव्यू मोड में आप सुनेंगे उन्हें कि वो कब ज्वाइन किए, उन्होंने कैसे यहाँ पे शुरुआत किया, कैसे वो उससे पहले क्या सिचुएशन थी, उन्होंने कितना कमाया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लाइव मिलने वाली है। तो मेरे साथ बने रहिए, और मैं कुछ साथियों को यहाँ पे इन्वाइट कर रहा हूँ।
विजय सर नमस्कार, आप विजय सर भी इस समय हम लोगों के साथ में हैं और विजय सर वीआईपी 64 है, मतलब जिस इंसान ने पिछले 7-7.5 महीने में कम से कम गारंटेड लिख लीजिए कि 70-80 लाख रुपए की इनकम किया होगा, वो व्यक्ति होता है वीआईपी 64, जिसमें विजय सर है महाराष्ट्र से, तो वो भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और विजय सर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं टेस्टिमोनियल के लिए बाकी लोगों को कॉल करूं। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर मेरी? अच्छा सर मेरी आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर सर? वेरी वेरी थैंक यू सर, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने अभी इन सभी लोगों को किया। आज जो एक मैजिक फिगर हम लोगों ने क्रॉस किया 555 का, 555 से ज्यादा अटेंडेंस आज था, लगभग 572 तक अपना अटेंडेंस गया था। तो ये 555 जो मैजिक फिगर है, तो जब मैं बचपन में स्कूल में जाया करता था ना, तो उस समय 555 का बहुत बड़ा जैसे ये था, मतलब अगर 555 नंबर की गाड़ी हम लोग देखते थे, या उस समय अमिताभ बच्चन जी 555 नाम का सिगरेट पिया करते थे, तो 555 का एक मैजिक फिगर था। और वो 555 का मैजिक फिगर आज हम सब लोगों ने ये क्रॉस किया, तो ये सब लोगों का सक्सेस है, सिर्फ अकेले का सक्सेस नहीं है। तो सभी को मैं इस सक्सेस के लिए अभिनंदन देना चाहूंगा और धन्यवाद कहना चाहूंगा। बादशाह सर ने जैसे अभी बताया कि टेस्टिमोनियल से टेस्टिमोनियल के हिसाब से होना चाहिए, बाकी अगर हम लोग कुछ बातें करते रहेंगे तो इसमें समय निकल जाता है। तो मेरा टेस्टिमोनियल मैं देना चाहूंगा, बादशाह सर ने जैसे बताया 6 स्टार हूँ, अगस्त महीने के लास्ट वीक में मेरा ज्वाइनिंग, जुलाई महीने के लास्ट वीक में मेरा ज्वाइनिंग है, अगस्त के फर्स्ट वीक से हम लोग ने काम में शुरू किया। जिस दिन पहला जूम मीटिंग हुआ था, उस जूम मीटिंग में 5 या 6 लोग हुआ करते थे, और आज अगर हम लोग 555 यानी 555 लोगों का आंकड़ा हम लोग ने पार किया है। बादशाह सर ने अभी बताया कि मैं 6 स्टार हूँ, सर मैं भी 6 स्टार हूँ, मेरे वाइफ का एडी में 6 स्टार कर चुका हूँ, और मेरा जो बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है उसका भी आईडी, मतलब इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में उसका भी आईडी यहाँ पे 6 स्टार हो चुका है। और हम लोग तीनों मिलके काम करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ मैं अकेले काम करके 3 आईडी मैंने 6 स्टार बनाया था, हम लोग तीनों भी काम करते हैं। तो ये एक फैमिली बिजनेस है, सब लोग यहाँ पे जुड़ जाइए, आपके पूरे सपने यहाँ पे साकार हो सकते हैं। मैं एक आज मैंने कराड़ नाम का हमारा महाराष्ट्र एक सिटी है, वहां पे मैंने दुबई के प्लानिंग का मीटिंग किया, लगभग 12-13 हम लोग वहां पे थे और सब लोगों ने दुबई जाने का ठान लिया, उसमें से एक बंदा 1 स्टार भी था, 2 स्टार भी था, 3 स्टार भी थे और 4 स्टार भी थे, तो सब ने दुबई जाने का ठान लिया है। और वो उसमें से सिर्फ 3-4 लोगों के पासपोर्ट नहीं थे, उन्होंने पासपोर्ट का एप्लीकेशन करने का प्रोसेस भी कहाँ से करना है वो देख लिया है। तो जिसको दुबई जाना है वो पासपोर्ट बनाने के लिए एप्लीकेशन कर दे, क्योंकि वो पहला पायदान है आपका दुबई जाने का, फिर 1 स्टार बनिए, 2 स्टार बनिए, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार बन सकते हो। तो धीरे धीरे हम लोग वापस पहले मुकाम पे ऊपर जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में हम लोग 1,000 लोगों का जो अपना जूम अटेंडेंस का टारगेट है वो पूरा करने वाले हैं। बादशाह सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और दोस्तों टेस्टिमोनियल के लिए एक मिनट सर, मैं और एक चीज कहना चाहूंगा सर, कल महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से 6-7 जगह पे सेमिनार हो चुके हैं, और अगर आप बारामती का नाम आपने सुना है तो कल ट्यूसडे बारामती में सेमिनार होने जा रहा है, वहां पे भी लगभग 70-80 लोग कल के सेमिनार में बैठने वाले हैं। और ये जो सेमिनार शुरू हो रहे हैं, ये मैं कहता हूँ हर जगह पे हर पॉकेट में सेमिनार शुरू होने वाले हैं, तो आने वाले महीने में आप जलवा देखोगे ट्रॉन थंडर का। थैंक यू, ओके, थैंक यू। जलवा तो सर मैं देख ही रहा हूँ पिछले 7.5 महीने में मैंने बहुत कुछ देखा है सर। ओके, ग्रेट, एक्सीलेंट कम्युनिटी, सुपर प्रोजेक्ट। और दोस्तों आज के टेस्टिमोनियल में सेकेंड पर्सन को मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ, विकास भागवत जी है, 1 स्टार लिखा है इन्होंने, 3 स्टार। तो विकास भागवत जी 3 स्टार, आपको खुद को अनम्यूट कीजिए, मैंने अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट किया आपसे। हेलो सर। यस विकास भागवत, नमस्कार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विकास भागवत जी, कहाँ से आ रही है आपकी, बोलिए आप। आज बहुत बढ़िया मीटिंग हो गई, विजय सर हमारे साथ में थे और प्लानिंग हो गई है आज दुबई जाने के लिए, और वो तो मैं अचीव करने वाला हूँ, आई एम फायर। ओके, हेलो विकास भागवत जी, आप स्टार 3 हो चुके हैं, आपने सिस्टम को कब ज्वाइन किया था? ये 6 महीने पहले ज्वाइन किया था, लेकिन 2 महीने कुछ काम नहीं किया, कोई सुने कोई सुने, कंटिन्यू हो रहा है अभी, वीआईपी 5। यस यस,
आज आज सर बहुत बढ़िया मीटिंग हो गई कारण में, ये सर भी साथ में थे। बिल्कुल विजय सर जहाँ रहेंगे बढ़िया तो होना ही है, सुपर। यस 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 वी आर फायर सर, टीम इज ऑल्सो फायर। यस यस थैंक यू सर, थैंक यू विकास जी, थैंक यू। ओके यस यस और थैंक यू। और हम लोग टेस्टिमोनियल देखते हैं सर, एक दो टेस्टिमोनियल और होते हैं, फिर आज हम लोग करेंगे जूम वो अनाउंस करेंगे कि कौन है विनर, और सब कुछ हम लोग लाइव करते हैं, आज भी वही होगा। और जाने से पहले यहाँ पे अशोक निदान जी है, अशोक निदान जी वीआईपी 3 स्टार है, तो मैं अनम्यूट करता हूँ अशोक निदान जी को, प्लीज माइक ऑन करें। हेलो अशोक निदान जी वेलकम। गुड मॉर्निंग। हेलो मॉर्निंग जी सर बोलिए आप, बोलिए सर। हेलो सर आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हो। हेलो बादशाह सर, प्रशांत ये जो अभी बात कर रहे हैं वहां पे शायद नेटवर्क नहीं है, तो आप किसी और को अलाउ कीजिए। और प्रशांत सर को आप लोग और साथियों को प्रशांत सर को कोस बना दीजिए, मैं नहीं बना पा रहा हूँ। ओके और हम लोगों के बीच में यहाँ पे हैं अभय सर, अभय सर हैं, वीआईपी 3 स्टार है, तो मैं इनवाइट करता हूँ अभय सर को आपके टेस्टिमोनियल के लिए। सो सर प्लीज माइक ऑन करें। मेरी आवाज आ रही है? यस सर यस सर बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप। लाउड एंड क्लियर। थैंक यू ये आलम सर, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप, क्या फायर है, क्या स्पीड है, मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस बहुत अच्छा लगता है, ये स्लो चलना मेरे बस की बात नहीं है। मैं प्रेजेंटेशन 5 मिनट में बात करता हूँ, 6वें मिनट में आईडिया, अभी मीटिंग चालू है तो मेरा 92 डायरेक्ट वा डाला है मैंने, अभी मीटिंग चालू होते होते इस मीटिंग को अटेंड भी कर रहा हूँ और ज्वाइनिंग भी मार रहा हूँ। ये जेपी सर ने जो सिस्टम शुरू किया है बहुत ही बढ़िया, 23 साल का तजुर्बा है मेरा, 23 साल में मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं देखा जो पावरफुल लॉजिक के साथ चल रहा है, 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहा है। कई दुनिया में लोगों से बात कर चुका हूँ, दुनिया इतनी निगेटिविटी से भरी पड़ी है और कोई किसी को सुनता नहीं है, ये इतना जी जान से हम लोग लगे हुए है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है, फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है कम्युनिटी का। और TTT मैं लोगों से बोल रहा हूँ खरीद लो, जिसको भी बिटकॉइन का हमारा चांस निकल गया था, अभी ये दोबारा कुदरत ने हमको चांस दिया है, इसको कैश कीजिए, जी जान से 3-4 महीना लगी है और जिंदगी में दोबारा पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। जो समझ गया, जो सीख लिया, वही इधर सिकंदर बनने वाला है। विजय अनपट सर की तो निकल पड़ी, अभी हमारी भी निकलने वाली है, मैं सबको देख रहा हूँ। चलो अपना अपना टाइम है, थैंक यू वेरी मच, जी जान से एक साथ इस कम्युनिटी को लगाइए, बहुत बढ़िया, सबका फ्यूचर है, सबको जोर लगाइए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। मैं बादशाह सर अभय सर के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, ये अगर किसी के घर में प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं ना, जैसे ही दरवाजा खुलता है ना, वो बोलते हैं भाभी जी कुछ देने के लिए आया हूँ, आपके हाथ का काम छोड़िए और मेरे सामने बैठिए, बहुत पैसे लेके आई हूँ, आपकी लेने की ताकत है तो मेरे सामने बैठिए। क्योंकि अभय सर के साथ मैं एक घर में गया था प्रेजेंटेशन देखने के लिए, तो इनका जो शुरुआत करने का ढंग है ना, सामने वाला झुक जाता है इनके सामने, इनके इस स्टाइल को मेरा सच में सैल्यूट है। अच्छा जी करिए, किसी और को अलाउ आप। सर यस विकास कौशिक जी जुड़े हुए हैं, और विकास कौशिक जी हैं वीआईपी 3 स्टार हरियाणा से हैं, तो मैं यहां पे इनवाइट कर रहा हूं विकास कौशिक जी को। विकास कौशिक जी हैं वीआईपी 3 स्टार, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो जी सर नमस्कार, बोलिए आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। नमस्कार विजय सर, नमस्कार नमस्कार सर, मैं इस सिस्टम में 4 महीने पहले आया था, 4th महीना मेरे पास है अभी चल रहा है, और मैं आज टीम के साथ बैठा था अपने, और वहाँ पे उन्होंने पूछा विकास जी कितनी इनकम हुई है, वहाँ पे सर मैं आज जोड़ा हूँ 3.5 महीने में 7,05,000 रुपये की मैंने यहाँ से इनकम ली है,
और इतना जबरदस्त सिस्टम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा सर। 2011 में मेरी शादी हुई थी और उसी वक्त मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था और 2011 से और 2022 लगाया सर मैंने पूरी जिंदगी मैंने नेटवर्किंग से। अदर बिजनेस मैं करता हूँ वहां से पैसा बढ़िया कमाता हूँ, नेटवर्किंग से मैंने कभी इतना पैसा नहीं कमाया वहां पे 11-12 सालों में जितना मैंने यहाँ से 3.5 महीने में कमा लिया है। और इतनी अच्छी बात है भी एक आईडी लगाते हैं और 10 लोगों को इनकम आती है सर, कितनी अच्छी बात है। इतना बढ़िया सिस्टम है, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, लोग वहां पे फंसे पड़े हैं, दो लेग वाले प्लान में फंसे पड़े हैं, कोई कैसे प्लान में, एक लोग एक लेग नहीं चला पा रहे हैं वहां, पता नहीं 6-6 लेग कैसे चलाते हैं, मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा भी। इतना बढ़िया सिस्टम दिया, 10वें लेवल में भी आईडी लगती है, 10 लोगों को इनकम आती है, बताओ। बस मैं तो इतनी शेयरिंग करूंगा और गुलशन जी ने मेरे को इतना बढ़िया सिस्टम दिया और मैं यही सिस्टम लोगों को, मैं क्या करता हूँ सिर्फ क्रिप्टो के बारे में, हमारे एरिया में हमारे जिस जगह रहते हैं हम वहाँ पे 85% लोगों को क्रिप्टो के बारे में नहीं पता, लेकिन हम क्या सोचते हैं हम नेटवर्क की मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ सिर्फ मैं लोगों को क्रिप्टो के बारे में बता रहा हूँ भी क्रिप्टो क्या चीज है, यही बताते बताते 7 लाख पे पहुंच गया हूँ, यही बताते बताते अगले 6 महीने में 50 लाख पे भी पहुंच जाऊंगा। सिर्फ यही काम करना है लोगों को, क्या करना है अपने आप सीख के लोगों को बताने तो क्रिप्टो क्या चीज है, बस। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू बादशाह जी। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, फिर आप आपका लकी ड्रॉ वाला सिस्टम चालू कीजिए। अभी जो विकास जी ने यहाँ पे बात की ना, तो उन्होंने शादी के बारे में कहा कि 2011 में मेरी शादी हुई और लगभग 11 साल लग गए पैसे कमाने के लिए, लेकिन आज उनके घर में जो खुशी है, उनकी घरवाली जितनी खुश है ना, वो बहुत बड़ा आनंद का क्षण है। और वो चीज हम लोग भी यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों में मैं घर वालों को कभी खुश नहीं कर पाया था, लेकिन आज मेरे घर की खुशियां मैं समा नहीं पाता, इतनी खुशियां मेरे घर में है। और यही चीज हर एक नेटवर्कर के बारे में है, बहुत से लोग जब जाते हैं ना, घर से निकलते हैं ना, तो घर वाले लोग, उनकी खास करके बीवी है ना, नाक मुरड़ लेती कि ये चला कहाँ पे मार्केटिंग करने, लेकिन ट्रॉन थंडर में जो बंदा काम कर रहा है ना, उसके घर में खुशियां ही खुशियां आ रही है और खुशियां ही खुशियां आने वाली है। थैंक यू बादशाह जी, आप आपका प्रोसीजर शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, और दोस्तों आशीष रजावत जी वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्टिविटी काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं आज का जो 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 विनर है, उस व्यक्ति को हम लोग पहले तो सर्च करेंगे और फिर उनको हम लोग बिल्कुल लाइव उनको पेमेंट करने वाले हैं। हम लोग 200 ट्रॉन का रिवार्ड है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग गूगल रेंडम नंबर सेलेक्ट करने वाले टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। आई होप स्क्रीन आप लोगों के सामने विजिबल होगी। जी जी आ गई सर। ओके, कुल 498 लोग हैं, 498। राइट 500। अभी मैं जनरेट करता हूं और ये नंबर अभी आपके सामने आया, 416। अब ये मुझे पाना होगा, पहले मैं ग्रिड ओपन कर लूं। नीचे से 84 नंबर देखिए, मैं ग्रिड ओपन कर लेता हूं सर, सिस्टम में भी ऑन है ना। जी जी देखिए, कोई सुनिए, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4, 20 का ग्रिड है। तो अभी हमें 416 देखना है, तो उसके लिए हमें चाहिए कितना, 21 20 ग्रिड कर लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 में लास्ट से पांच नंबर वाला, 21 में लास्ट से छह नंबर वाला आएगा 416। ये चार छोड़ के ऊपर से 14-16 वाला, नीचे के चार छोड़िए सर, तो 5-19 छोड़िए, 12 जी, 1 2 3 4 छोड़ दिया। और यहाँ पे अभी आईडी आ रही है अभिषेक मसीह की, तो अभिषेक मसीह है क्या कोई यहाँ पे, अनम्यूट किया हूं मैं, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अभिषेक मसीह,
चार छोड़ के करना है ना, चार में चार छोड़ के सर बराबर है, 20, 19, 18, 17 चार छोड़ के जो आएगा वो 16 आएगा, बराबर है। हेलो जी अभिषेक सर बोलिए। जी सर, जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कहाँ से सर आप? सर यूपी मुरादाबाद से हूँ। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो आपका नंबर, आपका नाम किस चीज के लिए सिलेक्ट हुआ है मालूम है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, रोज जूम लेता हूँ मैं। अरे वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अभी आपका ट्रॉन का एड्रेस कैसे मिल पाएगा हमें? मेरे पास सर आपका नंबर है। मेरा है? हाँ हाँ आपका नंबर है मेरे पास। अरे तो ठीक है सर, भेज दीजिए मुझे, मैं बादशाह सर को फॉरवर्ड कर देता हूँ। और प्रशांत सर भी है मीटिंग में, तो प्रशांत सर आप बादशाह सर को भेज दीजिए ट्रॉन। बादशाह सर आप एड्रेस भेज दीजिए ताकि वो लाइव हो सकेगा। सर आप मुझे एड्रेस दीजिए और आपका फोटो, अभिषेक मसीह जी आपकी एक फोटो और आपका एड्रेस, अभी आप विजय सर को लाइव शेयर कीजिए। अच्छा अच्छा ठीक ठीक सर, अभी कर रहा हूँ अभी। सो दोस्तों आज के जो विनर हैं अभिषेक मसीह मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के। और यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ थोड़ा सर, मैं कर लेता हूँ मैं अपने। जी सर, जी सर्च कर रहा हूँ सर आपका नाम। जी जी जी, और ये मैंने अपने ट्रॉन लिंक में लॉगिन कर लिया। बादशाह सर सबसे सबके लिए खुशी की बात है, जेपी सर का मैसेज आया है, कैसे हो आप लोग? बादशाह सर जेपी सर का मैसेज आ चुका है, हाउ आर यू? यस यस सर, यस सर। मतलब जेपी सर शायद से अभी ऑनलाइन हो रहे हैं, मतलब कल के लिए तो पक्का वो ऑनलाइन हो जाएंगे। हाँ पॉसिबली हम लोग बुधवार वाली जूम मीटिंग इंटरनेशनल जो होती है उसमें हम लोग मिलेंगे। हाँ ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए, थोड़ा थोड़ा सर्च होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक है ठीक है, मेरा नंबर सेव है आपके पास? हाँ हाँ दे रहा हूँ भैया सर को, दे रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, तब तक मैं शिवेंद्र सर, कौन है शिवेंद्र सर देखता हूँ, इनवाइट करता हूँ। रुके रुके सर, नहीं 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 सर, हाँ प्रशांत मोरे सर को तो इनवाइट करिए आप। ठीक है प्रशांत सर को कीजिए तब तक। प्रशांत सर आप अनम्यूट हो। यस सर, नमस्कार जोरियो, सुबह मैंने एक वीडियो बना के डाला था, वाकई में सारे लोग, थैंक यू बादशाह सर, सारे जोहरी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, 500 की फिगर थी, अभी ट्रिपल 555 का विजय सर ने बोला, अभी 444 हुए, बढ़िया है। यानी अगर हम कल सोचे ना तो कल 1000 की जूम पूरी हो सकती है, जो 555 थे अगर वो एक एक बंदा भी अपने टीम से वहां पे बैठा है ना जूम में लेके आए तो कल के तारीख में ही 1000 लोगों की जूम पूरी हो सकती है। तो थोड़ा सा इसको फॉलो करते हैं हम लोग, अभी भी जो इतने लोग हैं यहाँ पे 450 के करीब, वो अगर कल एक आदमी अपने साथ जूम में लेके आते हैं ना तो कल भी 1000 लोगों की जूम आराम से होगी। तो थोड़ा इसके ऊपर सब लोग गौर कीजिएगा और कल के तारीख में 1000 होने चाहिए, ऐसा थोड़ा कोशिश करते हैं सारे लोग मिलके। बादशाह सर आपको 200 ट्रोन आ गए ना, रिसीव हो गए ना? हम यस वो रिसीव हो चुके होंगे, एनीवे मैं एड्रेस का वेट कर रहा हूँ, तो आने देते हैं। नहीं आया एड्रेस अभी तक, वो मुझे भेज दे, मैं भेजता हूँ आपको। लीजिए मैंने डाल दिया सर आपको एड्रेस मुझे। यस यस आ गया आ गया आ गया, ट्रॉन थंडा, एक मिनट। बादशाह सर ये एड्रेस मैंने आपको भेज दिया, देखिए। बादशाह सर हाँ आपको मिल गया शायद। यस सर, यस एड्रेस आ गया है सर आपका। जी प्रशांत सर को भेज दे क्या? नहीं सर मैंने भेज दिया बादशाह सर को। कोई बात नहीं। यस 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 मैं तब तक ना करता हूँ,
और तब तक एक टेस्टिमोनियल ले लेता हूँ, शिवेंद्र जी करके हैं। तो शिवेंद्र जी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वीआईपी वन स्टार। नहीं नहीं, मैंने भी ढूंढा उनको लेकिन नहीं मिल रहे हैं। सर आपका फोटो चाहिए, जो आज के कॉन्टेस्ट विनर है ना उनका फोटो चाहिए, फोटो भी मुझे भेज दीजिए। दे रहा हूँ सर फोटो। जी जी जी, हेलो। यस सर, शिवेंद्र सिंह जी बोलिए। शिवेंद्र जी बताइए। जी आ रहा है आवाज, थोड़ा कम आ रहा है लेकिन बोलिए सर, आ रहा है आवाज। वॉइस कम आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, बोलिए। जी सर अभी क्लियर है? जी जी क्लियर है, बोलिए आप। हेलो। यस सर बोलिए। अरे आपका तो ब्लेजर में फोटो है, यहाँ पे यही फोटो डाल दूं क्या मैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने दे दिया आपको, दे दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, ये देखिए मैंने अपने दे दिया। मैं साबिर सर को भेज देता हूँ, तो साबिर सर इसको बना के हिंदी ग्रुप में डाल देंगे, इंटरनेशनल ग्रुप में डाल देंगे। साबिर जी मैंने आपको भेज दिया है फोटो। साबिर जी आज को-होस्ट नहीं है शायद। सर शायद शिवेंद्र जी का माइक ऑन नहीं हो पा रहा है या प्रॉपर नेटवर्क नहीं होगा, तो हम लोग जो रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको करते हैं कंटिन्यू। ठीक है ठीक है, कर दीजिए सर। उनका फोटो भी आ चुका है, फोटो भी डल जाएगा ग्रुप में तुरंत। ओके, और यहाँ पे मैं फाइंड आउट करता हूँ विजय सर को। विजय सर मुझे एड्रेस कॉपी हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मेरे यहाँ से कॉपी कर लिया। फाइंड आउट करना। यस यस यस, अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों के सामने। यस, नाउ वैलेट ओपन कर लें। और ये सेंड वाली बटन पे ओके किया। एड्रेस को पेस्ट किया। ओके, नेक्स्ट। भी यहाँ अमाउंट सेंड करना है, यहाँ पे 200 ट्रॉन है। और दोस्तों अपने सभी साथियों के साथ आप डेली आए और ज्यादा से ज्यादा में आए, क्योंकि देखिए ये रिवार्ड तो एक आपको छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन इसके बदले जो पीछे जो हिडन मैसेज है, जो आप लोग लर्निंग कर रहे हैं, वो लर्निंग आपके लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है। तो ये अमाउंट ट्रांसफर हो चुका है सर, और आई होप सभी लोगों को ये दिख रहा होगा। ये आपको मिल क्या मिला है क्या, देखिए आप और बता दीजिए सब लोगों को। रिवार्ड आपको मिल चुका है। देख रहा हूँ सर। और आपका नाम एक बार फिर से बताइए। सर अभिषेक मैसी नाम है मेरा। अभिषेक मैसी। जी जी जी। MESSI। हाँ हाँ, MASSEY। अच्छा अच्छा, MASSEY। हाँ, जो साबिर जी नाम लिख रहे तो उनको मालूम पड़ना चाहिए, इसलिए मैंने पूछा आपको वापस। जी जी सर, हो गया, रिसीव हो गया मुझे। ठीक है, तो सर दुबई की तैयारी हो रही है आपके यहाँ पे? बिल्कुल 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 सर, VIP 3 बनने वाला हूँ मैं। आगे हाँ, आपके टीम अकेले तो आप आने वाले हैं दुबई, मुझे मालूम है, लेकिन आपके टीम के लोग नहीं रहेंगे तो मेरा झगड़ा होगा आपके साथ दुबई में सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपके टीम के लोग चाहिए आपके साथ में, आपके टीम के लोग चाहिए साथ में। जी जी, ओके, बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। ओके यस, थैंक यू। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके सर, तो प्रशांत सर कुछ बोल रहे हैं? सर मैं नहीं बोल रहा था, मैं तो सुन रहा था, आज तो सुनने के मूड में था मैं। चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ। चलो ठीक है फिर। हाँ चलो चलो, विजय जी कीजिए बात। हाँ, और बादशाह जी मेरा बोलने का खत्म होने के बाद मैं आभार प्रकट करूंगा, आप मीटिंग को बंद कर दीजिए, ठीक है? तो दोस्तों वापस आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम सभी लोगों का ये सक्सेस है, और ये सक्सेस हमें सेलिब्रेट करना, और ये सेलिब्रेट हम लोग ऐसा वैसा नहीं करेंगे, ये सेलिब्रेशन के लिए हमें जाना है दुबई। देखिए दोस्तों, पिछले 20 सालों से नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, ऐसा मौका सच में नहीं मिला था। मतलब मेरी हालत मैं आप लोगों को क्या बताऊं सर, मेरे जैसे सब नेटवर्कर है जिनके घर के सबके सोने के गहने मुथूट फाइनेंस में जाके पड़े हैं,
लेकिन ट्रॉन थंडर जब से आया है तो मुथूट को बायबा हो चुका है। सच में सच कहानी मैं आप सब लोगों को कह रहा हूँ। और बहुत से मतलब मेरे विलास पाटिल जी है, उन्होंने घरवाली के लिए कुछ बनाया है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने घर वालों को खुश किया है, और वो ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है बहुत से लोगों के घर में खुशियां लाने वाला ट्रॉन थंडर। नहीं तो पिछले 10 सालों में मैंने मार्केट की अवस्था देखी है, और ये 10 सालों में बहुत तकलीफें नेटवर्कर ने ली है। ट्रॉन थंडर के साथ जब लोग जुड़े हैं तो ट्रॉन थंडर तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन ट्रॉन थंडर की कॉपियां करने वाले बहुत से प्लान आए, और जितने आए ना उतने सब निकल भी जा चुके हैं। आज के डेट में सच में दोस्तों, अगर आपके पास कोई ट्रॉन थंडर जैसा बगैर लायबिलिटी वाला अच्छा पैसे देने वाला प्लेटफॉर्म है तो मेरा नंबर किसी भी ग्रुप से ढूंढ लीजिए और मुझे पहले कॉल कीजिए, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे गारंटी है जेपी जैसा बंदा, जेसबी जैसी नियत, जेपी जैसा गिविंग नेचर वाला बंदा इंडिया में तो ढूंढ के नहीं मिलने वाला। तो यह सब चीजें यहाँ पे मिली है, बस इसका आप जितना फायदा ले सकते हो उतना फायदा लीजिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, आप सभी लोगों को वीआईपी 5 स्टार बन के दुबई आने के लिए शुभेच्छा देना चाहूंगा, और आप सबको यहाँ पे धन्यवाद दे के आज की जूम मीटिंग बंद करने की, क्लोज करने की बादशाह जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।